हाय फ्रेंड्स, आई एम सुरुदर सनियाल और आज मैं KGF मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने देखा गुवाहाटी में 41 का, ओनली 10 स्क्रीन गिवन इन गुवाहाटी। क्या बात बोलूँ, फिल्म को वेट करने के लिए 41 उसका फर्स्ट शो मिला, फिर भी चलो। तो फिल्म देखी मैंने और मुझे ये फिल्म देख के बहुत मज़ा आया। मज़ा मतलब फर्स्ट टू लास्ट तक फिल्म एकदम धमाकेदार, इमोशनल फिल्म भी है, इमोशनल भी है और एक्शन तो मतलब तारीफ के काबिल है। इस फिल्म का मेन हीरो जो है यश, उसने बेहतरीन एक्टिंग की है और जो साइड में जितने रोल है विलेन लोग हैं उन वो लोग भी दमदार है। मतलब हीरो के सामने भी खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा विलन चाहिए, वो सब उसमें है, विलन भी दमदार है। और लेकिन मैं सबसे बड़ा इस फिल्म का हीरो बताऊंगा डायरेक्टर प्रशांत नील को और उनकी स्क्रिप्ट को, जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा है और जिसके वो उसके साथ मतलब ये किया है, काम किया है उस स्क्रिप्ट के साथ, वो लाजवाब है, बेहतरीन है। और मैं उनको बहुत ही मुबारक देना चाहता हूँ कि ऐसा फिल्म उन्होंने बनाया है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग फिल्म के, आप पूरे फिल्म में आप बैठेंगे तो फिल्म के जो एक एक डायलॉग्स है सब बढ़िया है, सब डायलॉग्स में तालियां सीटियां बज रही थी। फिल्म में जब जो दिखाया है यश की और उसकी माँ की, मतलब एक मदर एंड सॉन का जो रिलेशन है वो एकदम इमोशनल है, वो सारे फिल्म में चलता रहता है लेकिन बहुत इमोशनल है, जब भी आता है स्क्रीन में आपके आंखों में आंसू तो लाएगा ही लाएगा। और ये फिल्म देख के मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ सीन में ऐसा होता है, इमोशन जागता है कि जैसे बाहुबली में जो हमको रिवेंज लेना है वैसा ये भी जागेगा आपके मन में। तो मैं कहना चाहता हूँ जो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए, आपके कमाए हुए मेहनत के पैसे अगर खर्च करके मज़ा एंटरटेनमेंट लेना है तो इस फिल्म को देखिए, किसी दूसरे फिल्म में मत जाइए, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है एंड इज़ ए ब्लॉकबस्टर। और ये फिल्म का तो फर्स्ट पार्ट है, एंडिंग में जो उसको रखा है, जो आई एम वेटिंग फॉर दिस नेक्स्ट चैप्टर टू, उसका सेकंड जो निकलेगा अगले साल, आई एम वेटिंग फॉर दिस। इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा, फिलहाल मैं 4.5 भी दे सकता था लेकिन फिर भी 4 स्टार दूंगा, क्योंकि न्याय नहीं होगा अगर मैं 5 से 5 बोलेंगे जो आप बहुत ही ज़्यादा दे दिए, ठीक है। तो 5 में से 4 स्टार। तो जाइए और ये मूवी को देखिए। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ जो हमारे जो डायरेक्टर है साउथ इंडियन मूवीज़ के, ये लोग फार बेटर और बहुत आगे की सोच रखने वाले डायरेक्टर्स, सब साउथ इंडियन से निकल रहे हैं। बॉलीवुड में डायरेक्टर्स की कमी हो गई है, वो लोग कुछ भी मतलब ट्राई नहीं करते नया कुछ करने के लिए, लेकिन साउथ इंडियंस मूवीज़ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स सभी रिक्स लेते हैं और आज ये रिक्स काम में आ रहा है और ऐसी मूवीज़ हमको देखने को मिल रही है। सो आई एम थैंक्स टू द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे किसी नए फिल्म के साथ। बाय बाय।